हाँ हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग जो भी व्लॉग हो। अब हम जा रहे हैं आज घूमने और हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून। राखी सेलिब्रेशन हो गया उसके बाद का ये, अब हम जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, मॉल जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा घूमेंगे, फ्लाइट उड़ रही है, आवाज कम आएगी। बाय। देखो ये इनको देखो, ये अच्छे स्टाइल है पाजी। ये आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? मैं अभी अभी गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ। गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन गेम कौन सा था? मैं क्रिकेट में बैटिंग भी करता हूँ। क्रिकेट में बैटिंग करता हूँ, ओलंपिक में। ओलंपिक में फुटबॉल खेल के आया था मैं ओलंपिक में। आइए, हम एक ओलंपिक विनर के साथ हैं। ओलंपिक मैचेस के साथ हो रही है तो अब आज हमारा ऑर्डर भर गया है। आई होप हमें अंदर डायनासोर मिल जाए। ओके, कहाँ जा रहे हो? फेवरेट जगह तुम्हारी ये है स्टारबक्स। हमेशा यही नहीं आते? हाँ, कॉफी पी के थक गए हैं। थक गए हो? मेरा भी आज मूड नहीं है वैसे। इल्ला फोटो करा सकते हो? प्रीटी नी ये लगाना। लास्ट टाइम जब हम इस मॉल में आए थे तो आई थिंक अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा, तब मैंने बनाया था मॉल ऑफ देहरादून, तो उस टाइम ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। इस बार क्या डिफरेंट है इसमें कि ये जो दो डाइनो एडवेंचर है, इसमें कुछ डायनासोर जगह जगह ऐसे प्लेस कर दिए गए, बस ये हल्के से मूव कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक अट्रैक्शन था वहाँ पर, तो इस बार गए और क्राउड पहले से बहुत ज़्यादा था। पहले भी अच्छा क्राउड था लेकिन अब ज़्यादा क्राउड था और ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। हमें बस इंतज़ार था पीवीआर ओपन होने का, तो पीवीआर की डेट थी, लेकिन अब इस बार भी हम गए तो पीवीआर ओपन नहीं हुआ था। तो हम अगर होता तो डेफिनेटली मूवी देखते, बट फिर हम उसके बाद अपना फूड एरिया में गए। साथ का बोल दो ना, ये साथ में नहीं हो सकता घर में से। अभी हम चारों का नहीं होगा, ऑलरेडी बुक है 20 मिनट के लिए सर। ये 20 के? हाँ सर। घर में सिर्फ बर्तन धो के आई है, अब इन्हें रिलैक्सेशन चाहिए कि मुझे रिलैक्स करना है। मैंने बर्तन धोए, मेरे हाथ सर पैर सब थक गया है ना? वो घर जाके फिर बर्तन धोगी, फिर क्या होगा? आप देखो कैसे लग रहा है। अगली बार बर्तन धुलवाओगे पाजी? सिर्फ कुछ चंद बर्तनों के लिए देखो उन्होंने क्या करना पड़ रहा है। सर रखो, हाँ सो जाओ सो जाओ, सोचो काम वाली भाई आ गई। एक लड़की के अंदर इतना स्ट्रेस आ गया कि उसको तीन चार लोग ऐसे करके लेके आए, ले भाई अपना स्ट्रेस कम कर। वो देखो, अरे रे क्या कर रहे हो, हम भी करें अपना स्ट्रेस कम। लगा नहीं बताओ पाजी, करें अपना स्ट्रेस कम हम भी। नहीं जरूरत नहीं है, वीडियो बना दे मेरी बात। कैसा लग रहा है? और जैसे एक जगह खाली हुई, फटाफट से जाके मैं भी लेट गया, मैं भी देखूं जरा इसमें क्या है, बट सच में बहुत मज़ा आया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमेशा हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि क्या फालतू पैसा खर्च है इसमें, बट इस बार हमने सोचा ट्राई करते हैं। दीदी के बहाने मैंने भी ट्राई कर लिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरी बैक पर, शोल्डर पर, नेक पर, जिस तरीके से मसाज कर रही थी मशीन, मज़ा आया। मतलब ये है कि अगर आप खुद ये एक्सपीरियंस लेंगे तभी आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये डायनासोर तो मुझे ग्रेटर नोएडा में जो कैनॉट प्लेस में जो मॉल बना हुआ है उसकी प्रॉपर याद दिलाता है। शायद अगर जो ग्रेटर नोएडा विजिट किया होगा उस मॉल में,
वो लोग समझ पा रहे होंगे, एज इट इज़ बना हुआ है वहाँ पर भी। तो ये एक स्पेशल अट्रैक्शन था, वो अच्छा था। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो गर्ल्स तो डिसाइड कर चुकी थी उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, बॉयज़ को तो सिर्फ खाना नज़र आ रहा था कि भाई चलो सीधे खाते हैं, कुछ भूख लगी है क्योंकि मॉल ऑफ देहरादून में जो कि उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट मॉल है उसमें कब तक घूम। अब ये तो हम बॉयज़ को पूछो कि हमें कैसा लग रहा था घूमना, हम सोच रहे थे भाई, आप देख सकते हो हमारी वॉक और एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशन तो चलो नहीं दिख रहे कि कब तक ये चलता रहेगा घूमना फिरना। और फाइनली फिर हमें कुछ एक ऐसा दिखा हमारे बॉयज़ के मतलब का, सभी ने एग्री किया चलो हम भी चलते हैं। हमें वहाँ पे गेम जोन दिखाई दिया और गेम जोन जब दिखा तो चलते हैं फिर, टाइम जोन के नाम से था, काफ़ी क्राउडेड भी था। तो हम गए वहाँ पर, हमने विज़िट किया और गेम्स सच में सुपर्ब थे, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे। आगे आप निक्की को देखो, वो एक्सेलेटर पर बैठ गई है क्योंकि वो घूमते घूमते थक गई, लेकिन घूमना बंद नहीं हो रहा है, मज़ा आ रहा है घूमने में, थक गए यहाँ मौका लगा यहाँ बैठ गई। और पहुँचे फिर हम टाइम जोन, देख सकते हो आप एंट्रेंस पे कितना क्राउडेड है लेकिन उतना ही अट्रैक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स अलग अलग सेक्शंस में, मज़ा आ रहा था देख के। ये टिकट सेक्शन है, यहाँ से जो जो टिकट जीतेगा वो उन्हीं टिकट्स की कुछ शॉपिंग करेगा, जो इनका अलग से एक कॉर्नर था उसमें शॉपिंग कॉर्नर था। ये सबसे बड़ा स्कैम होता है गाइस, आप कितनी भी कोशिश करो, कोई भी टेडी बियर पकड़ने की कोशिश करो, वो ऐसा लगेगा पकड़ लिया है, बात बहुत गिर जाता है। फिर हमें जब अपने मतलब की चीज़ें लगी हमें एक साथ 5 लोग बैठ सकते हैं, हमारे साथ वाले ने सिर्फ 4 लोगों ने एग्री किया, नहीं हमें एक ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमें नहीं बैठना। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ये वही रियलिस्टिक लगता है, ऐसा लगता है हम सच में ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले मैं 70 का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, 70 गेम था उसमें भी इस तरीके से काटा हूँ, लेकिन ये 360 व्यू के साथ था, उसमें पूरा 360 आप घूम सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं देखना चाहूँगा वहाँ पूरा मुझे व्यू नज़र आएगा, वो भी अच्छा था। थोड़ा सा डरावना था ये स्क्रीन छूटा जैसा हम देख रहे हैं, बट ठीक था क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मेरे इतना एक्साइटमेंट नहीं था, पीछे भाई और बाकी लोग शायद वो भी इतना एक्साइटेड नहीं थे, पर हाँ हम आए थे तो कुछ तो करें, पर अच्छा था। अगर आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम अगर आप देख तो आपको मज़ा आए। ये आप देख सकते हैं ये जो इसका पूरा 360 व्यू जो आता है वो बहुत अच्छा था, अलग एक्सपीरियंस दिया इसमें, मतलब मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आपको कभी विजिट करना है तो आप ज़रूर करिए। जैसे ही ये एंड हुआ मुझे वहाँ से करने के बाद पता चला कि हमारे साथ बाजी उनका सर घूम गया, उनको चक्कर आने लगे, ऐसा हुआ कि यार मैं तो वोमिटिंग कंट्रोल की मुझे तो ऐसा भी छोटी ही हुआ था कि मैं वोमिट कर दूँगा। बाजी के रोने लग गए थे।
ऐसा कुछ नहीं, मैं बॉल से खेल रहा था और पहली बार हमें बॉल नहीं मिल रही थी, हम जैसे जैसे आ रहे थे हम कोशिश कर रहे थे एक या दो बार ही मिल पाई, क्योंकि सारी बॉल नहीं दिखा देते, फिर भी बस हिट करो और अपना पॉइंट रन करो, आपके जो पॉइंट है ऑटोमेटिक बस कार्ड में एंड करेंगे, उन्हीं पॉइंट से आप शॉपिंग करते हैं, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। जितनी बार आप हिट करोगे उतनी बार ये देगा इतने पॉइंट आप। नेक्स्ट गेम डिसाइड हुआ ये, मैं तो याद भी नहीं करें, बस इधर ही जो फाउंडर्स थे बैक थे स्मॉल, उनको देखना था और इसी अगर जिस सर्कल में जाके गिरेगा उतने पॉइंट्स मिले, जहाँ से देखना था वहाँ से किसी ने देखा नहीं, बस सारे के सारे आगे से कलेक्ट करके आगे से देखना स्टार्ट करेंगे। हाथ नहीं लगा तो हमें ट्राई किया, चलो टिकट्स जीत लेते हैं, क्या पता एक साथ हमें बहुत सारी टिकट्स मिल जाएँ, कोशिश की कार्ड्स में, ऐसा मुझे लगा था एक कार्ड में एक बार ना तीन चांसेस दिखे, बट वो एक टिकट आई है हाथ में, इस तरीके से उन्होंने चिल्लाया वो वापस गिर गई, तब ने गुस्सा किया, हमें ये लगा कि हमें तीन चांस मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो खेलते गए थे उसने तीन चांस दी थी, पर पता चला कि उसने दूसरा कार्ड यूज़ किया था जिस वजह से उसको तीन चांस मिले, हमारे पास दूसरा कार्ड था, तो एक ही चांस थी वो जा चुकी थी, उसके बाद हम खेल नहीं पाए, चलते फिरते जहाँ जैसे हाथ लग जाए वो करते जा रहे हैं और बस अपने घर की तरफ निकलते जा रहे हैं, अगले ओलंपिक में यही जाने वाले हैं। गेम जोन से निकलने के बाद फिर पहुंचे डीआईवाई सेंटर, बॉटल लेने आते हैं डीआईवाई स्टोर, बॉटल जो लास्ट टाइम ली थी वो टूट गई, स्टॉक चेंज हो गया, नो या फिर कहीं और होगा, कहीं और हो सकता है, अर्ली शॉपिंग बहुत ज्यादा की, आपने क्या किया? ये तो है आप ही करने चले जी, इसके लिए बर्गर पैक कराना था। और फिर हम वापस चल दिए, अभी फिर हमने यहाँ मैक्स स्टोर देखा था तो हमने कहा चलो कुछ शॉपिंग हो जाए, अब रक्षाबंधन था लास्ट डे तो रक्षाबंधन की शॉपिंग मतलब गिफ्ट वगैरह, तो हमने सोचा हम दोनों ने, मैंने और सुची ने, कि चलो निकी को गिफ्ट देते हैं, बाकियों को मिल चुके थे, हमने ढूंढा सर्च किया जो पसंद आया उसके लिए हमने उसको दिया, फिर उसके बाद उसके नाटक शुरू, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है मुझे नहीं चाहिए, कितनी मुश्किल से उसको मनाया, आगे वाली वीडियो में इस तरीके से देखोगी कि हम उसे कैसे मना रहे हैं, बहुत मुश्किल से हमने उसको समझा पाए कि हम दोनों की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ऐसे इसको अदर वे में मत लो प्लीज़, तो बड़ी मुश्किल से मानी, नहीं नहीं हमने कहा जाओ पहनो पता करो कैसा है उसके बाद,
और फाइनली निक्की मान गई और उसके लिए फिर हमने गिफ्ट ले लिया। अब हम लेट हो चुके थे। फिर मॉल से निकलने के बाद हमें प्रॉपर एक खाने की थाली चाहिए थी कि हम उसमें सब्जी रोटी खा सकें, तो फिर हमने डिसाइड किया पास का एक अच्छा रेस्टोरेंट था, पम्पकिन रेस्टोरेंट। फिर हम वहाँ पहुँचे, लेट भी बहुत हो गया था लेकिन वो 11 बजे तक खुला रहता था तो काफ़ी भीड़ थी। ऑलरेडी देखो नींद भी आने लगी क्योंकि तो हम 10 बज चुके हैं हमें। तो बस फिर हमने पम्पकिन रेस्टोरेंट में खाना खाया सभी ने। क्या ग्रैंड एंट्री दी हो भाई, दो इधर से, दो इधर से, हाँ दो लोग इधर से, दो लोग इधर से। अब मैं आपको लेने आया था ना, आपको गाड़ी में एक्टिंग करना था तेरे को दिखाने के लिए। अबे चलती बोल। बापरे हम ये नहीं खाना है, ये खाएंगे तो पहले ये खा ले। पम्पकिन बेचारे पाजी नाइट शिफ्ट करके आए थे तो उन्हें जब जब जैसे जैसे मौका लग रहा था उन्हें नींद आ रही थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था यार जल्दी घर पहुंचो, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आए उसके बाद सीधे वो घर आए, वो बिल्कुल भी नहीं सोए। तो अभी जस्ट पार्किंग से निकल के हमारा वेट कर रहे थे और ये सो गए। और फाइनली हम चल दिए घर की ओर, काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज चुके थे। तो ये था रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का व्लॉग, जो हम घूमे फिरे, मॉल गए, गेम जोन में गए, खेला। तो व्लॉग मेरा ये ही एंड होता है। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।